यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में भक्ति का भाव होना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी हमारा वह कर्म सार्थक हो सकता है। नमस्कार, बोलते तारे, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राशिफल एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप आने वाले भविष्य के बारे में जान सकते हैं। उससे पहले आपको बता देती हूँ कि 2 फरवरी को द्वादशी है। द्वादशी की तिथि का क्या महत्व है, चलिए आपको बताती हूँ। इस तिथि पर भगवान विष्णु के 12 नामों से पूजा करनी चाहिए, साथ ही ब्राह्मण भोज या जरूरतमंद लोगों को अन्न दान करना चाहिए। ऐसा करने से हर तरह के दोष खत्म हो जाते हैं और कभी ना खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। पुराणों के मुताबिक इस तिथि में शुभ प्रभाव से सुख समृद्धि बढ़ती है और मोक्ष भी मिलता है। तो ये थी द्वादशी की तिथि का महत्व। अब राशिफल की तरफ रुख करते हैं और शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज अपनी सेहत के चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। आपके आसपास के लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे और सराहेंगे। आपके पिता की कोई सलाह आज कार्य क्षेत्र में आपको धन लाभ करा सकती है। जिन्हें आप चाहते हैं उसके साथ उपहारों का लेन देन करने के लिए अच्छा दिन है। मेष के बाद बात करेंगे वृष राशि की। प्यार, उम्मीद, सहानुभूति, आशावादिता और निष्ठा जैसी सकारात्मक भावनाओं को अपनाने के लिए खुद को प्रोत्साहित करें। एक बार ये गुण आपके अंदर रच बस जाए तो हर हालात में वे खुद ही सकारात्मक तरीके से उभर आएंगे। अतिरिक्त आय के लिए आपके सृजनात्मक विचारों का सहारा ले, संबंधियों से आपको सहायता प्राप्त होगी। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आशावादी बने और उजले पक्ष को देखिए। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं और आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगी। दीर्घावधि मुनाफे के नजरिए से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। बच्चे आपके दिन को बहुत मुश्किल बना सकते हैं। प्यार दुलार के हथियार का इस्तेमाल कर उन्हें समझाएं और अनचाहे तनाव से बचें। और इसके बाद बात करेंगे कर्क राशि की। कमर में लगातार दर्द परेशान कर सकती है, इसे नजरअंदाज ना करें, खास तौर पर जब इसके साथ कमजोरी भी महसूस हो रही हो। आज के दिन आराम करना बहुत अहम है। आर्थिक जीवन में आज खुशहाली रहेगी। इसके साथ ही आप कर्जों से भी आज मुक्त हो सकते हैं। कर के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा, कई लोग आपकी खासी तारीफ कर सकते हैं। धन की आवाजाही आज दिन भर होती रहेगी और दिन ढलने के बाद आप बचत करने में भी सक्षम हो पाएंगे। लंबित व्यावसायिक योजनाएं शुरू होगी। आपका खाली समय आज मोबाइल या टीवी देखने में बर्बाद हो सकता है। चलिए अब कन्या राशि की बात करते हैं और जानेंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। बाहरी गतिविधियां आपके लिए फायदेमंद रहेगी। कीले बंदी वाली जीवन शैली में बंधे रहना और हमेशा अपनी सुरक्षा की चिंता करना आपके शारीरिक और मानसिक विकास को रोक देंगे। यह आदत आपको चिड़चिड़ा और बेचैन इंसान बना सकती है। और कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। बिना वजह अपनी आलोचना करते रहना आत्मविश्वास को कम कर सकता है। आर्थिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक स्रोत से ही लाभ मिलेगा। आपके माता पिता की सेहत चिंता और घबराहट का कारण बन सकती है। प्रेम जीवन की डोर को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो किसी तीसरे को बातों को सुनकर अपनी प्रेमी के बारे में कोई भी राय ना बनाए। आपको ऐसे परियोजनाओं पर काम करना चाहिए जो आगे चलकर मुनाफा दे। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। भागम भाग भरे दिन के बावजूद आपकी सेहत पूरे तरह से दुरुस्त रहेगी। जीवन साथी से पैसों से जुड़े किसी मुद्दों को लेकर आज बहस हो सकती है। आज आपकी फिजूल खर्ची पर आपका साथी आपको लेक्चर दे सकता है। आपका मजाकिया स्वभाव आपके चारों ओर के वातावरण को खुशनुमा बना देगा। और अब बात करेंगे धनु राशि की। शाम के समय थोड़ा आराम कीजिए। आज के दिन आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने साथी के नजरिए को नजरअंदाज ना करें। आपकी प्रेम कहानी आज एक नया मोड़ ले सकती है। आपका साथी आज आपसे शादी को लेकर बात कर सकता है। और धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं और आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगी। आज आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं या फिर किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की और जानेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।
अपनी शारीरिक चुस्ती फुर्ती को बनाए रखने के लिए आप आज का दिन खेलने में व्यतीत कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप जानते हैं कि लोग आपसे क्या चाहते हैं। आपकी प्रेम कहानी आज एक नया मोड़ ले सकती है। और चलिए अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। दूसरों के लिए खराब नियत रखना मानसिक तनाव को जन्म दे सकता है। इस तरह के विचारों से बचें, क्योंकि ये समय की बर्बादी करते हैं और आपकी क्षमताओं को खत्म करते हैं। उधार मांगने वाले लोगों को नजरअंदाज करें। घर का कुछ समय से टलता आ रहा कामकाज आपका थोड़ा वक्त ले सकता है। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।